नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, और ये जबलपुर में स्थित है, एमपी में। मेरे साथ एक कपल है, ये कहाँ काम करते हो? और कितने साल हो गए थे मैरिज को? 9 साल हो गए सर। 9 साल हो गए तो यहाँ का पता कैसे चला? और एमपी में रहने के बाद भी सर मैंने बोला यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं ले पाया हूँ, तो सर मैं रांची से आया सर, ट्रीटमेंट लिया सर। तो यहाँ आके जो आपने वीडियो में देखा था, तो यहाँ पर आके आपका एक्सपीरियंस कैसा था? पहला सर, पहला एक्सपीरियंस यही था सर, 9 साल से ट्रीटमेंट, 5 साल से सर मेरा ज्यादा ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा। टाइम की पाबंदी की वजह से नहीं वो हो पा रहा था, इसलिए सर फिर मैं 9 साल के बाद में यहाँ पर आया सर। ये एक फोर्सेस में हैं और बेचारे रेगुलर आ नहीं पाते थे, तो आपको यहाँ आके भरोसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था सर, बहुत ज्यादा भरोसा आया था सर यहाँ पर आके। पहले जो है भरोसा हो गया था सर। ये कितने साल हो गए शादी को? सर 9 साल हो गए शादी को। आपकी उम्र कितनी है सर? 27। 27 और 9 साल हो गए शादी को। इनका ट्यूब में प्रॉब्लम था और इनको बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे थे, एंड ये कंसीव हुई विथ ओन एग्स, और पहले अटेम्प्ट में ही हुआ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। इनके दो लोग आए थे, एक जन का हमने एम्ब्रियो फ्रीज करके रखा है, और आज आपका मैं डबल मार्कर के लिए ले रहा हूँ। और ये यदि आप देखोगे तो ये इनकी प्रेगनेंसी है, इनका सिंगल अलाइव प्रेगनेंसी है, ये फीटल हार्ट है, ये हेड है, और यदि मैं इसको 3D में दिखाऊं आपको तो ये भीतर प्रेगनेंसी है, ये यूट्रस है, और ये 3D पिक्चर है बच्चे का, ये बच्चे का हेड है, ये लिम्स हैं, ये साफ दिख रहे हैं। इधर जो आपको स्टाफ ने और जो इंजेक्शन लगाने के लिए, कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा था? दूसरों को कुछ बोलना चाहो कि आप तो बहुत दूर से आए हो मेरे पास में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अनेडर होकर सबकी ट्रीटमेंट लिए और बहुत अच्छा लगा सर उनका समय का। हमने इनके हस्बैंड का सीमेन फ्रीज कर लिया था, बिकॉज हस्बैंड वाज नॉट एबल टू कम ऑन डे ऑफ ओवम पिकअप, तो ओवम पिकअप के दिन ये मतलब काफ़ी बहादुर लेडी है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस भगवान की कृपा से पहले अटेम्प्ट में आपको प्रेगनेंसी हुई। और मुद्दे की बात यह है कि इतने साल बाद पहले अटेम्प्ट में वो भी एक एबसेंट रहने वाले हस्बैंड को हमने ये किया। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।